Is the film talking about any of the taboo subjects? No. No. अगर आपको लगता है कि एक वाजसरा होना एक टैबू सब्जेक्ट है तो फिर ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो वाजसरा आपको सड़कों पे भी मिल रहे हैं, आपको हर जगह नजर आ रहे हैं और आपको कभी इशू नहीं हुआ जब तक फिल्मों में या टीवी पे या कॉमेडी शोज में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। जी वो मसला नहीं था कि वाजसरा क्यों है या ये बंदा जो है फेमिनिन क्यों बन गया है, एज लॉन्ग एज यू मेकिंग फन ऑफ इट द सेकेंड दैट यू ह्यूमनाइज इट। सो आपको मसला उनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन एक ह्यूमन तरीके से करने में है तो ये आपका मसला है। क्या हुआ सड़क पे किसी ने रोका, उधर ही रोना शुरू कर दिया, क्या किया ये आगे से ऐसे जैसे दीपिका हसन रोना सोना अलग साइड से रखा होता है, जब लोग आते हैं तो वो ऑटोग्राफ बिल्कुल ऐसी लगी पिक्चर के लिए खड़ी होती है, बचपन से ही करती है। लोगों ने काफी अच्छा वेलकम किया और मुझे एक दफा नहीं लगा कि मेरा कोई जेंडर इशू है या फिर लोग मुझे मेरे टैलेंट से या मेरे काम की वजह से मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। सेंसेशनल न्यूज़, हु इज शी मैरिड टू, दिस इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। आप जितनी अजम्पशंस कर रहे थे हु इज मुमताज ने, आई थिंक एक दिन में कुछ 8-8 घंटे करके आप प्रैक्टिस करते थे? गुलशन ने जी जी वाओ आज करना पड़ा। फिल्म में कोई गाना नहीं है, म्यूजिक एक्चुअली है, हमने इंडी आर्टसी का देखें लेबल लगा दिया, बहुत सारी बताते हैं तो नहीं पता लोगों को। It was bizarre कि ये हो रहा था कान के अंदर और हम एक पाकिस्तानी फिल्म लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, but it was also a lot of fun. Hi guys, my name is Saim Sadiq. Our film Joyland is coming to cinemas all across Pakistan on the 18th of November. So please go and watch it. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Aaj mere saath hai cast of that film jiske bare mein bahut baatein ho rahi hain. Kuch baatein isliye ho rahi hain ki usne pure Pakistan ko fakhr mehsoos karaya Cannes Film Festival mein jury award jeet kar. Kuch baatein isliye bhi ho rahi hain ki logon ko bahut confusion hai ki film hai kis topic ke bare mein. Kya ye film un topics ke bare mein baat karegi jo hamari society ko shayad acceptable nahi hai? Film isliye bhi interesting hai ki uski cast bahut zabardast hai. तो हमने सोचा कि हम उसकी कास्ट को बुलाते हैं। फिल्म 18 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है ऑल ओवर पाकिस्तान और उनसे ही ये सारे सवाल पूछते हैं। तो हमारे साथ आज है कास्ट ऑफ जॉयलैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इतनी खामोशी, इतना टुडे वी हैव विद अस द डायरेक्टर एंड कास्ट ऑफ जॉयलैंड। अब सही हो गया, माई मिस्टेक, बट मैं वो एक्साइट हूँ ना, मुझे आप उनके हिस्सा ही लगते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं। मुझे डायरेक्टर वैसे कास्ट ही लगता है। मुझे कोई डाउट नहीं है, चलिए पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आप सबको और अगर मैं कहीं गलत बोल जाऊँ कुछ तो माफ कर दीजिएगा। देखिए मैं इनको पहले बता दिया तो मैं कंफ्यूज है। अच्छा हमारे साथ है अलीना खान हु इज़ द ट्रांसजेंडर एक्टर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन वी हैव साइम सादिक, आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन बट ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। देन वी हैव अली जुनेजो हु इज़ डायरेक्टर एंड एक्टर एंड राइटर विद अ वर्क फॉर मोर देन 20 years. Almost 20 years. आई वॉज मुझे मैंने कहा ओके वाकई दैट्स गुड माशाल्लाह से। It's been a few minutes. So हमारे साथ है रास्ती फारूक हु इज़ ऑल्सो द राइटर एंड प्रोड्यूसर एंड एक्टर, राइट? डायरेक्टर बार बार मैं कह रही थी, शुक्र इस बार इंट्रो में नहीं बोला मैं। ओके जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पता है कि फिल्म के बारे में कितनी रूमर्स हैं, कितनी गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि मैं ट्रेलर देख चुकी हूँ बाय द वे। कुछ हद तक सुना है, कुछ हद तक क्या सुना है आपने? एक एक चीज जो आप लोगों ने सुनी हो या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? आई थिंक पहली जो हमने सुनी थी वो ये थी कि ये एक फिल्म, बिकॉज वो ही होता है आप प्रमोशन जब शुरू करते हैं तो उस वक्त हमने एक स्टिल निकालना था फिल्म का, वो भी पोस्टर बना भी नहीं था, कोई ट्रेलर भी नहीं बना हुआ, सो वी पुट आउट वन स्टिल जो वो कार्डबोर्ड कट आउट वाला था जिसमें अली है। सो अली भी, आई थॉट आई पुटिंग आउट अ स्टिल ऑफ अली हु इज द मेन कैरेक्टर, बट ऑफ कोर्स उसकी बैक नजर आ रही है सो नोबडी नोटिस्ड एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओह इट्स अ फिल्म अबाउट अ ट्रांस गर्ल, व्हिच इज नॉट ट्रू बट ऑल्सो ट्रू बिकॉज उसका एक फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एक 5-6 किरदारों में से एक वजह से रहा है, बट द फिल्म इज नॉट अबाउट दैट एट ऑल।
तो वो एक मिसकंसेप्शन थी पहली, और वहां से फिर वो जो गुड्डी उड़ी वो उड़ ही रही है आज तक और तेज जाती जा रही है ना तो वो, फिर हम भी आराम से बैठे थे, बिकॉज हमें इतनी बीच में हुआ कि यार हम कुछ बोलें या बताएं, बट हमने कहा कि नहीं, क्योंकि अभी फिल्माने में थोड़ा सा टाइम था, स्टिल लाइक 3 वीक्स टू गो, 18 नवंबर को आनी है, तो हमने कहा कि हमारे पास इतना टाइम है कि जब वो ट्रेलर आएगा, जब हम इंटरव्यूज वगैरह में बातचीत करेंगे, तो वो खुद ही मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगी, हमें इतना निकल के अगर किसी को कोई चीज लग भी रही है इट्स फाइन, अभी हमने कुछ बताया ही नहीं है, तो फिर अगर आप इनको ऑलरेडी पता है तो you know, तो पता रहे तो पता रहे। अली आप बताएं, आपने क्या सुना, कुछ सुना आपने? मैंने तकरीबन या तो सब कुछ सुन लिया या कुछ नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे एक्सपेक्ट नहीं करी कि राइटर से हम कुछ और एक्सपेक्ट सुनेंगे नहीं हम तो वहां मौजूद थे जब फिल्म बन रही थी, तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या क्यों मिसकंसेप्शन है, तो शिकवा है कि पहले से अजम्पशंस हो रही हैं, नहीं एक हद तक एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, हमने भी जब ट्रेलर देखे होंगे किसी मूवी के तो हमने भी कहा होगा शायद इस चीज़ के बारे में, शायद उनके बारे में ये किरदार ज़्यादा अहम है, ये नहीं है, ये है, ये वो नहीं है, लोग करते हैं, एंड मुझे लगता है कि ओके तो फिल्म जाके देख लें, दैट्स अ गुड आइडिया, फिल्म जाके देख लें भाई टू डिसाइड, इतनी क्यूरियोसिटी है तो फिल्म देख लें, एंड देन होपफुली जी मैंने भी एक दो आर्टिकल्स देखे थे जिसमें हमारी जॉयलैंड मूवी के बारे में जिक्र था, पर मैं भी अली की तरह मैं भी ये कहना चाहूँगी कि लोग देखेंगे तो शायद ये बेहतर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले तो हम ट्रांस को वैसे भी मौका नहीं मिलता मेन स्क्रीन में आने के लिए, और अगर मुझे साइम जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बाकी जो हमारे जो हैं प्रोड्यूसर वगैरह मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमसे हमारा कैरेक्टर ही करवाया, तो लोगों को शायद देखने में ये लग रहा है कि सिर्फ एक ट्रांस की है, बट ये ऐसा नहीं है कि फैमिली स्टोरी है, ठीक है ट्रांस भी इसमें उस स्टोरी का हिस्सा है जो कि फर्स्ट टाइम हुआ, और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी ट्रांस का कैरेक्टर जब एक ट्रांस वुमेन ही कर रही है जो कि पहले नहीं था, तो मुझे लगता है कि जब ये स्क्रीनिंग इसकी होगी तो काफी लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेगा। रास्ती आप कुछ बताएंगी? आई थिंक काफी सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें कही थी कि ये फिल्म एक्स बात कर रही है, और मुझे उससे फनी लगता था बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको पढ़ने का और उसको करने का, वो ये है कि ये फिल्म, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि फिल्म कुछ नहीं कहती, ये आपको बस एक जेंटली आपका हाथ पकड़ के आपको बिठाती है, और फिर आपको एक छोटा सा ब्लरी सा शीशा दिखाती है, और एक इन्वेस्टिगेशन है कि अपनी हमारे लोगों की और हमारी फैमिलीज कैसे होती हैं, हम लोग कैसे होते हैं, हमारे वॉइस कैसे होते हैं, हम हंसते कैसे, हम लड़ते किस बातों पर हैं, उस सब के बारे में ये फिल्म है। तो और बाय द एंड आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं, बट व्हाट आई लव अबाउट द फिल्म इज़ कि वो आपको कोई मैसेज या लेसन उस तरह से नहीं कह रही, एक काइंड ऑफ इट्स जस्ट अ जेंटल स्नैपशॉट। हाँ, सो वो जो लोग कहें कि ये फिल्म ये बात कह रही है, मुझसे आज तक मैंने 7-8 दफा देख ली है, मुझसे पिन नहीं होता कि ये फिल्म ये बात कह रही है या ये हो रहा है, सो एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स, सो आई विल जस्ट रिपीट व्हाट एवरीबॉडी सेड कि एक दफा जाके देख लें एंड देन लेट्स सिट डाउन एंड हैव अ कन्वर्सेशन, आई लव टू डू दैट, सो दैट्स बीन वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स। फेस्टिवल्स पे जब हम जाते रहे, फेस्टिवल के बाद जब लोग मूवी देखते हैं और फिर Q&A होता है, उसके बाद लोग आके हमसे बात करते हैं, अपने ऐसा साथ शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़ा उसके अंदर आता है। तो लेट्स जस्ट आप लोग जाके देखें और नवंबर 19 को बैठ के लंच करते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप लोगों को बहुत बहुत, कांस की जो जूरी बन हुई, उसके बाद टिफ पे आप लोगों की नॉमिनेशंस थी, राइट? देन अभी इंडियन फेस्टिवल आप लोगों ने जीता मेलबर्न का, दैट वाज वेरी गुड, एंड देन ऑस्कर नॉमिनेशन फ्रॉम पाकिस्तान, जॉयलैंड हैज गॉन, राइट? सो अगर मैं कोई मिस कर गई उस चीज में तो उसको भी आप लंदन फिल्म फेस्टिवल। मुबारक बहुत बहुत, आई एम श्योर आप लोग, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मलाला कैसे आई ऑन बोर्ड, उसका क्या प्रोसेस था, एंड हाउ डू यू फील दिस विल चेंज नॉट जस्ट जॉयलैंड्स स्टेटस और you know as a film uski position but also film industry ke liye
पाकिस्तान की, व्हाट डज इट मीन इन योर ओपिनियन साइन? सो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी. मलाला का इस फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. हमारी फिल्म बन चुकी थी, हमारा कान प्रीमियर भी हो चुका हुआ था. इट वाज आई थिंक इन जुलाई जब हमारे somebody from our team ended up meeting her at a lunch in England somewhere I think. और वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ओ I'm you know I'm part of the Joyland team, वैसे ही अपना इंट्रोडक्शन में. और उसने कहा कि ओ मैंने सुना है वो अभी उसका वो यू नो शी'ड सीन द स्टैंडिंग ओवेशन वीडियो और समथिंग, तो वो कि मैंने देखनी है और मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने अभी एक साल पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली उसको एक्स्ट्रा करिकुलर. तो वो कह रही है मेरी एक सीरीज बन रही है और मैं अभी नो आई एम बिकमिंग अ प्रोड्यूसर आल्सो. सो हम ऐसे ही कहा कि चलो मलाला ने देखनी है, देख लें सब देखें. तो हमने उनको एक लिंक भेजा, भेज दिया लिंक आपने? हाँ, अच्छा, भेज दिया. ऑब्वियसली मलाला को तो नहीं मना कर सकते, ये बात भी सही है. हमने भेज दिया लिंक और उन्होंने भेज दिया. उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं मतलब क्या हम कुछ कर सकते हैं इकट्ठे? मैंने कहा अभी तो नहीं पता आगे क्या करना है लाइफ में, लेकिन व्हेन दिस वी हर्ड अबाउट, ऑब्वियसली अनाउंसमेंट से पहले हमें पता चल गया था ऑस्कर सबमिशन का, क्योंकि हमने सबमिट वगैरह करनी है, वी फाउंड आउट अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर. तो हमें तब भी हमारी बातचीत आपस में चल रही थी, मतलब मेरी नहीं, टीम मेंबर्स की, मलाला के एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स के साथ. तो इट्स समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट इन हॉलीवुड फिल्म्स, दैट जब आपकी फिल्म कभी ऑस्कर के लिए सबमिट होती है या यूर यू नो कैंपेनिंग फॉर इट, सो कोई एक मिनारी एक छोटी सी फिल्म थी उसका, ब्रैड पिट वॉज द एग्जैक्टिव प्रोड्यूसर, जॉर्ज क्लूनी इज एन एग्जैक्टिव प्रोड्यूसर ऑन मेनी फिल्म्स. तो हमें भी लगा कि अच्छा अगर एक पाकिस्तानी नेम विच इज वेरी बिग इन इन इंटरनेशनली स्पीकिंग, इफ शी वॉन्ट्स टू एसोसिएट विद द फिल्म एज एन एग्जैक्टिव प्रोड्यूसर फॉर दैट पर्पज टू यू नो एडवोकेट फॉर द फिल्म, ऑफ कोर्स वीड बी सो लकी. सो एंड देन शी केम ऑन बोर्ड एंड माशाल्लाह मतलब मैंने इस 5-6 महीने में हम काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला है. हम जब कान में थे तो मुझे जिस होटल में ठहराया हुआ था, ऑन दैट सेम फ्लोर दीपिका वाज स्टेइंग देयर. सो वी वर लाइक वी बीन ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइक ओ मीटिंग मेनी बिग पीपल राइट, दैट वी नेवर थॉट दैट वी वुड मीट. बट हम जब मलाला से हम मिले, अभी वो BFI लंदन की स्क्रीनिंग पे वहीं हैं, उन्होंने अब लिख के वो सफ़ों पे लेके आई थी इंट्रोडक्शन उन्होंने करना. अच्छा, इट वाज जस्ट, मैंने इतनी क्यूट चीज़ अपनी जिंदगी में नहीं देखी, बिकॉज शी वाज स्टिल लाइक अ स्कूल गर्ल के वो अपना पूरा होमवर्क करके लेके आई हैं एंड शी इज वेरी यंग. और वो सिंपल सा शलवार कुर्ता पहन के, लाइक शी वाज जस्ट सच अ हार्ट वार्मिंग नॉर्मल पर्सन कि वो उनको देख के मिल के मुझे बड़ा यू नो बहुत खुशी हुई. I was just like this, somebody so down to earth, so normal, and so welcoming and warm. It was very, very, very sweet, very heartwarming. मुझे लग रहा है एक अच्छा step है, because internationally तो of course आप लोगों को बहुत acclaim मिला है, लेकिन because of Malala's association, more people will get to know about it. जितना वो बात करेंगी, so definitely I think it is a great step. Yeah, because हमें बहुत मिला appreciation obviously, but when you in the race for the Academy Awards obviously you know that's the reason why our films are never because it's not enough that the film is good. वो जरूरी नहीं है कि जो जिन फिल्में को नहीं मिलता वो अच्छी नहीं होती. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं. एक लेवल ऑफ बैकिंग और एक लेवल ऑफ प्रमोशनल उसमें एलिमेंट जो कि पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक इट शुड बी टॉक्ड अबाउट कि यू नो द फिल्म हैज टू बी गुड बट यू नीड समबडीज बैकिंग टू पुश इट एंड ट्रू. ये रियलिटी ऑफ दुनिया और जिंदगी है, उसको हमें छुपाने की क्या जरूरत है कि हां, और उसमें कुछ वो करने की भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल. अरे आपने आपके कुछ डांस स्टेप्स भी मैं भी देख रही थी. हाउ वाज दैट प्रोसेस? आर यू अ डांसर पहले से या इसके लिए आपने स्पेशल कोई ट्रेनिंग ली? मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता. ओके, वैसे छत पे वाला सीन तो काफी अच्छा लग रहा है. लग रहा है ना, ट्रेलर में अच्छा काट रहा है. बाद में जब पता चलेगा. नहीं, हमारे पास हमारे साथ एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे गुलशन, जिन्होंने बहुत सब्र दिखाया मुझे और मेहनत भी अच्छी खासी की उन्होंने. लिहाजा आई थिंक एक दिन में कुछ 8-8 घंटे करके आप प्रैक्टिस करते थे? ने जी जी वाओ, करना पड़ा बिकॉज फॉर मेनी डेज. उसके बाद आप अच्छा पराठा बर्गर सब खाते होंगे, बेफिक्र होके ना? खाते थे सिर्फ पूरे शूट के बीच, बिकॉज़ वो चाहिए टू मेंटेन हिज फिजिक, नॉट कि ओके बल्की लगना था, बिकॉज़ थिन लगना. आई नो हां, इसीलिए वो थिन होने के लिए ओनली ईटिंग चिकन. हां, वो स्क्रिप्ट में ऊपर के लिखा था स्क्रोनी. जनवरी में शुरू किया था और आई थिंक नवंबर तक, एंड ऑफ नवंबर तक ऑलमोस्ट चिकन.
हमें भी लगा दिया था सेट पर सॉल्ट एंड पेपर का पाकिस्तानी बारबेक्यू आता था, मैं भी कबाब खा रही होती थी, कभी नहीं मैं कबाब अच्छे कबाब थे, कोई रोटी नहीं कोई चावल नहीं, हां मुझे भी उन्होंने शेक वगैरह पे लगाया, थोड़ी सी हेल्थी हो जो या यू नो आई वांट टू मतलब I admire you. मैं आपका भी जब इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मैं आपका जर्नी देख रही थी एंड मैं कहना चाहती हूँ आप बहुत बहादुर हैं फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर गोइंग ऑन इन लाइफ एंड जो ज़िंदगी ने आपको चैलेंजेस दिए उनको आपने रुकावट नहीं बनने दी और आप आगे बढ़ती रहीं तो हमारी पूरी टीम वॉज टॉकिंग अबाउट यू. इनफैक्ट मेरी जो सारी टीम दे वर लाइक पहले हम तस्वीर ले लेंगे प्लीज़ प्लीज़ सर क्योंकि उन लोगों को निकलना होता है जल्दी इनकेस मेरे इंटरव्यूज़ कभी कभी लंबे हो जाते हैं तो हम एडमायर कर रहे हैं आपको और बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे सो आई वांटेड टू पर्सनली से दैट टू यू फर्स्ट. आपको क्या लगता है इस मूवी के बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस खुलेंगे करियर वाइज और ट्रांसजेंडर एक्टर्स हैं या जनरली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी बिकॉज इट्स अ बिग स्टेप यू नो. जी बिल्कुल जिस तरह ये मेरे तो ज़िंदगी का पहला करियर था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पाकिस्तान में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम आज जो ट्रांस डायरेक्टर हैं वो ट्रांस ही कर रही हैं हम करती हैं ज़्यादातर औरतें कर लेती हैं तो मुझे लगता है कि जो मुझे इस मूवी में काम करने के बाद जो हमें सक्सेस मिली है हमारी मूवी जो आइलैंड को जिस तरह मैं कैन में गई हूँ मेलबर्न गई हूँ टिप गई हूँ अब मतलब ओस्कर के लिए हो रही है तो मुझे था कि मैंने जब मुझे साइम जी ने इस मूवी के लिए हायर किया तो जब मैंने मैं जब इस इसके रिहर्सल्स के लिए गई हूँ तो मेरा था कि मैं जो काम करूँ मैं उसमें अपनी पूरी एफर्ट करूँ कि शायद ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम होगा कि शायद मुझे दोबारा कोई साइम जैसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे जो हमसे हमारा करेक्टर करवाएंगे क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे करेक्टर की वजह से मैं आगे नहीं आ सकी जेंडर की वजह से अपने सॉरी तो मुझे था मतलब इसे चीफ अब काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मिली है और मुझे लगता है कि जब ये पाकिस्तान में चलेगी जब लोग हमारी हमारी स्ट्रगल को देखेंगे या हमारा काम लोगों के सामने आएगा तो लोगों को काफ़ी हद तक ये अवेयरनेस होगी कि हम अगर ट्रांस भी हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं हम वो हर चीज़ कर सकते हैं जो एक मर्द या औरत करती है और मुझे लगता है जो न्यू यूथ है अगर वो मुझे देखेगी तो उनमें काफ़ी एक हौसला बिल्ट होगा उन्हें पता होगा कि हमारा अगर हमारा जेंडर ये है तो हम इससे हट के अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं बट ये है कि उसके लिए आपको आपका यकीन पुख्ता होना बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हो क्योंकि जब मैं घर से निकली तो मेरा गोल बेसिकली यही था कि मैं अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में देखना चाहती थी जो कि मेरी आज से तब 10-12 साल पहले अगर आप देखें जब मैं घर से निकली मुझे नहीं था पता कि मैं डॉक्यूमेंट्री करूंगी मुझे नहीं था पता कि मैं शॉर्ट ये फीचर मूवी करूंगी मुझे साइम सर मिलेंगे मैं इतनी बड़ी सीनियर लोगों के साथ काम करूंगी मुझे बिल्कुल नॉलेज था पर दिल में एक उम्मीद थी कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो बेसिकली और कहीं से तो नहीं अपनी फैमिली को ये बता सकूँ कि अगर मैं ट्रांस हूँ तो मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ आम लोगों की तरह नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ जो कि मेरा इस जो आइलैंड के बाद ये डार्लिंग के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी तख्वाब पूरा हुआ और मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट भी किया और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट थी और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी मेरी फैमिली थी कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया तो मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें ऑन द स्क्रीन आएंगी तो जो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री है जैसे थिएटर कल्चर है ड्रामा कॉमेडी शोज आप देखते हैं कि ट्रांस को ज़्यादातर कॉमेडी के तौर पर दिखाया जाता है बेचारगी में किसावा दिखाया जाता है और मतलब कि उसको उस तरह से स्ट्रॉन्ग दिखाया नहीं जाता जिस तरह से ट्रांस रियल लाइफ में अपनी स्ट्रगल करती हैं या फेस करती हैं या सामना करती हैं जिन चीज़ों का तो मुझे है कि अगर जब मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी जो ये थिएटर कल्चर है ये ड्रामास हैं उनमें मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी का जो करेक्टर है वो प्ले करूंगी या अपनी जो न्यू ट्रांस है न्यू यूथ हैं उनको मौका दूंगी कि वो मुआशरे के साथ मिलके काम कर सकें क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आम नॉर्मल बीइंग ह्यूमन की तरह सब लोगों के साथ मिलके काम करना और साइम ने वहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट किया मुझे बहुत चीज़ें बताएंगी क्योंकि जो मेरा करेक्टर था बीबा वो बहुत डिफरेंट था मेरी रियल लाइफ से और मुझे साइम ने एक बात बताई थी कि अगर मैं आपको ये हायर कर रही हूँ आपको ये करेक्टर दे रहा हूँ ना तो जो बाकी एक्टर्स हैं उनका लेवल यहाँ तक है और आपका लेवल यहाँ है आपने कोशिश करनी है वो लेवल यहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ वहाँ को और मैंने वो एक बात थी जो मेरे अभी तक मेरे जहन में है और वो मैंने उसको लेके चली है मैंने काफी स्ट्रगल की हर चीज के ऊपर यहाँ तक के डांस कोशिश यही थी मेरी कि अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं इसको अच्छे तरीके से निभाऊं ताकि जो आने वाले न्यू लोग हैं वो हम पे बिलीव करें और हमें भी साथ आपने इतनी अच्छी बात बोली आई थिंक यूजुअली वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या कैरेक्टर्स को हम एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं बट आपके ट्रेलर में येस वी कुड सी जितना हमें नज़र आया कि उसकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशंस यू नो जस्ट लाइक
मेल या फीमेल के इमोशंस होते हैं उसी तरह हमें नज़र आ रहे हैं. आपका कैरेक्टर रास्ती वाइफ है आप अली जनेजा कैरेक्टर की या नहीं? मैं मैरिड हूँ इस फिल्म के अंदर. मैं ये नहीं बताऊंगी किससे. सॉरी बट नो यू विल हैव टू वॉच इट. इट्स नॉट अ सीक्रेट है ये. यस. आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है बार बार इंटरव्यू को. देखिए आप मेरे मासूमाना कॉमेंट्स को गलत डायरेक्शन में आप लेके जा. मुमताज का जो कैरेक्टर है जितना थोड़ा बहुत मैंने रिव्यूज जो पढ़े हैं उससे मुझे लगता है वो भी यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कैरेक्टर द फिल्म. हर कैरेक्टर जो है वो किसी ना किसी सोसाइटी के सेगमेंट को या कम्युनिटी को या एक खास यू नो मेल्स या फीमेल्स के किसी ना किसी स्ट्रगल को चैलेंज को उनके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे ग्लिम्स नज़र आई मुमताज इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फीमेल्स जो कि शायद हमारे यहाँ खुलेआम उस पर बात नहीं की जाती है. Yes, and I would say that for everybody in the script, all the characters, and again, mere liye wahi is film ki sabse badi strength thi. Basically, it's ki ye agar ye khandan hai, Rana family hai, uske koi 6-5 afraad hai, right? To wo sab aapas mein, agar wo unki zindagi mein koi conflict hai, ek dusre se hai ya apne andar hai, apni zaat se hai, to wo kya hai? Aur agar ek family hai jo certain मोहल्ले में रहती है उनका घर का निज़ाम एक सर्टन तरीके से है वो निज़ाम किसने बनाया है और उससे सबकी ज़िंदगियों में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट व्हेन इट कम्स टू द राणा फैमिली. सो मुमताज़ जैसे है वो काम करती है उसको अपने काम से बहुत दिलचस्पी है अच्छी अपने काम में. शी वर्क्स एट अ पार्लर. शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड यू सी हर वर्किंग इन द पार्लर एंड शी इज़ फन. शी इज़ लाइकेबल. She's quick on her feet. So aapko any character who is good at something aapko uske liye you drawn to them. So Mumtaz is that aur phir and you root for her and then she's also married and mere liye dusri interesting cheez jo is film ke andar thi hui thi ke uski jo shaadi hai uska jo taluq hai apne shohar ke sath wo ek different kind ka hai and that ke yes wo ek traditional family se belong karte hain shaadi unki apni soch bhi ट्रेडिशनल उस तरह से हो बट आपस में उन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया है कि एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं अंडरस्टैंडिंग भी है एक दूसरे को अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीने देते हैं बट दे आल्सो हैव ईच अदर्स बैक. फिर भी वो खुश नहीं है वो आई थिंक और यही वो पार्ट वो मुझे लगता है जो बहुत सी शादीशुदा औरतें शायद कनेक्ट कर पाएँ कि मैरिज में बहुत दफ़ा आप खुश नहीं हैं और बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट. आई वुड से Am I right in saying what I'm saying? Yes and no. I would say ki uski her married life is actually something that gives her a lot of joy. Okay. Because usme bahut pyar hai aur dosti hai. Like fun and humor bhi hai. But I think jo ek cheez jo hum amuman khaas taur pe auraton ke liye jisko hum ignore kar dete hain wo ye ki ek aurat agar wo shaadi shuda hai yes uska purpose aur uska aim aur uska apni energy ka sara source wo ho sakta hai but uski apni personal fulfillment bhi ek honi chahiye. So I feel like that's the thing that Mumtaz struggles with and that her story is about that ki apni zindagi mein purpose aur meaning wo dhoond sake aside from her relationship and her married life within that as well aur uske bahar bhi. बट जब उन दोनों के दरमियान एक अजीब सा एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसकी वो क्या गुजरती है उस पर दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. सो दैट्स व्हाट हर स्टोरी इज अबाउट. मैं दो तीन सवाल जो मैं पूछूंगी आप इसे जो भी चाहे वो जवाब दे सकते हैं. व्हाट इज द फिल्म अबाउट? द फिल्म इज अगर हम दो लाइंस में बात करना चाहें या फैमिली ड्रामा. इट इज अ फैमिली ड्रामा एंड इट्स अ फिल्म अबाउट दिस. इफ अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो एक उस लड़की की कहानी है जो कि इन दो डिफरेंट वर्ल्ड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. एक हमारा रेगुलर फैमिली कंजर्वेटिव जो हम सब का होता है जिस तरह से एक हाउस होल्ड जिसमें बहुत सारे मेम्बर्स हैं उनकी अपनी कहानी है और एक थिएटर वर्ल्ड जो कि एक पंजाबी मुजरा थिएटर वर्ल्ड है जहाँ पे वो बीबा से मिलते हैं और वहाँ का बीबा के इंक्लूडिंग एंड उनके अलावा भी दैट वर्ल्ड ऑफ द पंजाबी थिएटर जो कि हमारा एक कई सदी मतलब डेकेड से है हमारा एक पार्ट ऑफ एटलीस्ट पंजाब कल्चर. There's a very weird dichotomy between the two
देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस कि वो अपने घर से क्या चीज़ क्या इमोशन लेके जा रहा है उस थिएटर में और उस थिएटर से क्या लेकर आ रहा है. दैट्स प्राइमरीली एंड हाउ दैट एक्ट ऑफ हिज बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ चेंज क्रिएटर फॉर द होल फैमिली फॉर एवरीबडी फॉर गुड एंड फॉर बैड. सो उससे कुछ चेंजेस हैं जो उस फैमिली में इतनी फंडामेंटल होना शुरू हो जाती हैं. वेदर इट्स रास्ती कैरेक्टर वेदर इट्स सानिया सईद कैरेक्टर हुज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली बट शी इज यू नो एसोसिएटेड विद द फैमिली द फादर और सरवत कैरेक्टर हुज प्लेइंग नुची हिज सिस्टर इन लॉ एंड ऑफ कोर्स बीबा कैरेक्टर एज वेल. सो इट्स वही के एक उस फैमिली सेटअप को एकदम से हल्का सा एक जो चैलेंज मिलता है बाय हिज चॉइस ऑफ डूइंग दैट हल्का सा चैलेंज नहीं है इट स्टार्ट्स विद जस्ट बीइंग अ जॉब या राइट दैट्स अ स्मॉल स्टेप बट इट्स अ बिग स्टेप अगेन. सो उस चैलेंज से और एक ख्वाजासरा से वाबस्तगी से उसकी बाकी फैमिली के अंदर भी एक एक जो चेंज इनएविटेबली आना शुरू हो जाता है अगेन फॉर गुड एंड for bad that's what the film is about and about patriarchy for sure so jitna maine thoda bahut padha mujhe lagta hai film is also about a lot about desire so pakistan jaisi conservative society mein aapko lagta hai ki is topic pe baat karna is okay acceptance hogi is topic ki ya thoda backlash aap expect kar rahe hain but it also depends on what you sorry it also depends on what you mean by desire for example is film mein जो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ जो आपका कैरेक्टर है उसकी भी डिज़ायर्स हैं जो वो डिस्कवर करता है जिस तरह वो रिश्ते में जाए फिर उसकी फैमिली में जो ख़वातीन हैं उनकी भी जो केमिस्ट्री और जो उनकी मैं समझ रहा हूँ वो समझ उनकी भी डिज़ायर एक सो एक्चुअली द फिल्म इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू वो डिफरेंट जो उस जो फैमिली की बात कर रहे हैं उस फैमिली में जो डिफरेंट मेम्बर्स हैं उनके चैलेंजेस उनकी पर्सनालिटी उनके डिजायर्स की बात कर रहा है व्हिच इज सो मच मोर इंटरेस्टिंग यू नो कि आई थिंक इट्स इवन मोर देन दैट यू सिर्फ इस फैमिली की डिजायर की बात नहीं है जी. वो जनरली स्पीकिंग मैं या आप या आप या हम अपने आप से क्या चाहते हैं ठीक है व्हाट इज आवर डिजायर फ्रॉम आवरसेल्व्स सबसे पहला सवाल तो यही होता है हमारा इन अ सेंस तो आई थिंक फिल्म वहां जाती है अच्छा कि आप अपने आप से पूछें सवाल कि आप खुद से क्या चाहते हैं निस्बतन इसके कि आप सिर्फ ये देखते रहें कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं और ये सवाल और इसी की वजह से आई थिंक बहुत सारे कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह पे आके दिखाते हैं अपने आप बिकॉज दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिजायर खुद से क्या चाहते हैं वो सवाल बहुत बड़ा और वो सवाल एक तो खौफनाक भी है लेकिन दूसरा उससे सच्चा सवाल शायद कम मिलेगा और उस सवाल की जैसे आपकी जो वो इमारत खड़ी हुई है वो हिल सकती है या और आप कितना उसको हिलाना चाहते हैं ये भी एंड डिजायर कैन बी मतलब बहुत सारी चीजों की डिजायर होती है आई थिंक डिजायर इज नॉट जस्ट एक कंपेनियनशिप की एक दोस्ती की डिजायर एक उनकी फैमिली लीनेज बढ़े और एक बेटा हो अब ये आप उसको जज कर सकते हैं वो अपने आप से कुछ स्ट्रेंथ भी चाहते हैं अब ये दीज आर ऑल डिजायर्स एंड उनकी इन ख्वाहिशात का आपस में क्लैश is perhaps also what the film is certainly about because शायद जो ये चाहते हैं अपनी जिंदगी से और जो वो चाहती है अपनी जिंदगी से दोनों नहीं हो सकते और अगर एक होता है तो फिर क्या होता है and as an audience to be put in that position के आपके दोनों they're good people ये भी एक अच्छी they're all good people in the film they're like all basically decent human beings तो फिर आप किसके लिए रूट करेंगे क्योंकि एक को अगर कुछ मिलता है तो दूसरे का कुछ छिन सकता है आप तो हमें बड़ा मतलब कश्मकश में डालेंगे फिल्म देख के मुझे तो लग रहा है हम बहुत रोने वाले हैं जो फिल्म देखने जाएगा आई हैव अ फीलिंग यू नो एंड रेटिंग है इस फिल्म की कोई इट्स एन एडल्ट्रेटेड फिल्म बिकॉज़ देयर आर सर्टेन लैंग्वेज एंड कुछ थीम्स इस फिल्म के अंदर ऑब्वियसली हैं इस तरह की जो कि रिक्वायर्ड सर्टेन लैंग्वेजेस लाइक यूज अगेन थिएटर इज अ काइंड ऑफ स्पेस जहां पे जुगतबाजी वगैरह वो या तो आप ठीक तरीके से कर सकते हैं असल तरीके से सो वी आस्क फॉर एन एडल्ट सर्टिफिकेट कि नो अगर आप 12-13 साल के बच्चे हैं यू कैन वेट फॉर 6-7 इयर्स एंड देन यू कैन कम एंड वॉच द फिल्म आई एम सो ग्लैड फॉर दैट बिकॉज़ मुझे लगता है सर्टेन थीम्स आल्सो मे बी वो एक खास टाइम पे इंट्रोड्यूस की जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है फिल्म में कोई गाना नहीं है म्यूजिक
Also release after the trailer. Okay. बुला के गाने लेकिन अब मजा उसी समय समझ आ गई है थीम की. फिल्म को बनाने का चैलेंज क्या था कि आप कमर्शियलिज्म जो है वो भी मेंटेन रखें और फिर जो आप दो तीन बड़ी सीरियस टॉपिक्स को टच करना चाह रहे हैं उसको भी बैलेंस मेंटेन कर सकें. हाउ डिड यू मैनेज एंड हाउ चैलेंजिंग इट वॉज? बिकॉज मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देखने के बाद मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ से ये रूमर्स थी, ये तो इतनी इंटरेस्टिंग इतने मज़े की फिल्म लग रही है. इट लुक्स लाइक अ ड्रामा थ्रिलर, देयर इज सम मर्डर आल्सो, खून वून हो रहा होगा भाई. सो यू नो वो तो आई वाज लाइक यार ये पता नहीं क्या रिव्यूज में लिखा हुआ था, ये तो मैं कुछ और मैं एक्सपेक्ट करी थी और ट्रेलर देख के तो मेरा इंप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक फिल्म देख के आपका इंप्रेशन एक दफा फिर इन अ फन वे होगा बिकॉज़ वी हैव शोन अ लॉट इन द ट्रेलर बट वी हैव केप्ट सम थिंग्स, सारी चीजें नहीं हमने बताई अभी. सो आई थिंक फिल्म लिखते हुए मेरी पहली फिल्म है तो और मैं 31 साल का हूँ, तो मैं जब लिख रहा था तब मैं 26 साल का था जब मैंने लिखना शुरू किया था. तो ऑब्वियसली उस वक्त तो ये था कि ये बनाने देखो यही बड़ी बात है, जिस दिन ये फिल्म बन जाएगी या जिस दिन, बल्कि वो भी बहुत दूर की बात है. आई थिंक माई ड्रीम वॉज कि मैं पहला दिन जिस दिन मेरा सेट पे था टिल डे दैट्स द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज वो अचीव करना मुझे ज्यादा मुश्किल लगा था. उसके बाद फिल्म अच्छी है बुरी है मैंने बना तो ली ना, मेरे अंदर जो एक चीज थी मैंने तो एक फिल्म बना ली ना. भाई आप कांस पे जीत चुके हैं अब जो हो रहे हैं अमेजिंग थिंग्स, बट वो आई थिंक फॉर एज अ फर्स्ट फिल्म मेकर जो लोग शायद फिल्में बनाना चाहते हैं और या कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आई थिंक अगर वो एक ऐसी चीज हो जिसमें आपको थोड़े से पैसे चाहिए हो, थोड़े से और लोगों की मदद चाहिए हो जो आप अकेले खुद से ना कर सकते हो, सो व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू डू इट दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आई थिंक उस चक्कर में ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, ये एलीट लोगों के लिए है या ये नॉर्मल लोगों के लिए, बट आई डू थिंक ये फिल्म कैन बी वॉच्ड बाय एनीवन. इट्स एंगेजिंग इनफ, इट्स एंटरटेनिंग इनफ, बट इट्स आल्सो मूविंग इनफ के यू नो इट I don't think anybody will come out and be like हम बोर हुए. Yeah, नहीं मुझे नहीं लगता हम बोर हुए. But at the same time, it's not कि आप कहेंगे कि हाँ it was you know it was an entertaining movie. That is not the club that you would put that film in. You know, like it was a light watch मज़ा आया देख के, चलो अब आप खाना कहाँ खाना है. एटमोसफेयर जो थोड़ा माहौल होता है स्क्रीनिंग रूम में वो थोड़ा हैवी हो जाता है कि लोग आके फौरन, पहली दफा जब हुआ था तो मुझे लगा था कि इनको अच्छी नहीं लगी बिल्कुल, खामोशी, क्योंकि पहली दफा जब मैंने बहुत सारी टीम के लोगों को दिखाई थी, अब्दुल्ला सिद्दीकी हमारे कंपोजर हैं, उन्होंने हमारा म्यूजिक बनाया, तो उनको जब मैंने भेजी थी फिल्म अभी उन्होंने काम करना शुरू करना था तो वो पहला कट था, तो अब्दुल्ला ने मुझे हफ्ते तक मैसेज नहीं वापस किया. मैंने कहा आई थिंक इसने कहना है कि ये नहीं मैंने करनी फिल्म, और मैंने उसको मैंने कहा अब्दुल्ला अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो ये तमीज़दार बात है कि आप मुझे बता दो कि नहीं अच्छी लगी, कोई बात नहीं. तो कहते नहीं मैं आई वॉज यू नो लाइक आई वॉज सो मूव्ड और समथिंग कि इट वॉज टू हैवी, वी कांट जस्ट से आई लव द फिल्म, नाइस जॉब, let's move on. Because I don't know, maybe it goes into places which are a bit heavy. No, ye unanimously hame logon ne kaha hai, jis mulk ke hain hum, jis demographic ke logon ko humne dikhaya hai, everybody says, I mean do teen din baad messages aate hain logon ke ki I'm still thinking about it, ya us character ke bare mein soch raha hu, aur ya ye wali story mere abhi bhi baithi hui hai mere sath, to yeah it stays, the film stays with you in some way or the other, aur wo अगेन बहुत एक्साइटिंग चीज है. तो जब कांस पे आप लोग गए तो कोई प्राउड मोमेंट जो आप लोग शेयर कर सके? जब कोई कुछ मिला हो, मिले हो कोई लोग और उन्होंने कोई बात की, यू नो यूजुअली वो लोगों का होता है कि पाकिस्तानी बेचारे अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती होगी, कपड़े भी नहीं इसी तरह पहनने आते होंगे, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आपके अंग्रेजी, तो ऐसा कुछ आपका सुनने को मिला, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो आप लोग, ईच वन ऑफ यू कैन शेयर समथिंग लाइक दैट, यू नो which really a memory, a good memory from meri favorite cheez apart from the premiere jo ki emotional bahut ho gaye the hum sare because humne pehli dafa dekhi thi. kaun tha
रोने का वेट करें तो हम बट वो मैंने दो चार लोगों को देखा कि अच्छा रो रहे हैं, आंसू चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है तो फिर आई लाइक अमेजिंग. आई थिंक जितनी देर लोग तालियां बजाते रहे हम लोग रोते रहे. तुमको फेवरेट पार्ट बता रहे थे. Favorite part was people stopping, जब स्क्रीनिंग के बाद के चार पांच स्क्रीनिंग्स हुई थी एक प्रीमियर के बाद भी, तो हम अभी चार पांच दिन तक थे जब तक अवार्ड सेरेमनी नहीं होनी थी, तो जब लोग इन लोगों को रोकते थे सड़क के ऊपर, because obviously, so nice, so we're like, oh Biba 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 करते करते वो उसके पीछे आएंगे कि you're Biba right, बहुत दफा हुआ था, और ये कह रहे कि हाँ अच्छा जी, oh my god, एक दफा हम किसी रेस्टोरेंट में थे तो वो एक लड़की पास से गुजरी और वो बातचीत कर रही है और एकदम मिस है और एकदम से ये आई है और उसको देख के कहती है ओ माय गॉड यू मुमताज ओ नो, और फिर ये बैठ के पता नहीं को 10 मिनट उससे हार्ट टू हार्ट करने लगी है कि यू नो, तो वो इट वाज जस्ट सो फैसिनेटिंग टू वॉच के ओ ये अंग्रेज लोग हैं चलते फिरते दे आर कनेक्टिंग विद दीस कैरेक्टर्स इन अ वे व्हिच इज सो हार्टवार्मिंग. कान के इस थिएटर में बैठ के फिल्म पहली दफ़ा देख रहे थे, हम भी पहली दफ़ा देख रहे थे, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ देखते थे, तो मेरी रो के अंदर थोड़ा सा ये सीढ़ियाँ छोड़ के साथ में एक बूढ़े से, बूढ़े तो खैर नहीं बताऊँ मी लाइक 50s के अंदर एक अंकल बैठे हुए थे बूढ़े, और वो आई थिंक ही मस्ट हैव बीन लाइक फ्रेंच फेयरी सर ही वाज, तो वो देख रहे थे, उन्होंने एनक भी लगाई हुई थी उनके देख रहे थे स्क्रीन को, और मैं थ्रू आउट आई वॉज हाइपर अवेयर कि उनके रिएक्शंस क्या हैं. कभी कभार वो हंसते थे और स्निकर करते थे, तो देन लाइक I would feel giddy. I would just look at him and be like, "Chhawa sre." And then, ek kuch moments ke par wo bilkul khamosh rehte the. But I'd look at him and be like, "Chhawa unko kuch feel." So I was constantly, I was very aware of audience. Kya kaise react kariye? Because imagine ki hum kaan ke andar baithe mere ek Urdu aur Punjabi zaban wali ek movie chal rahi hai, jiske andar beech mein Punjabi theater bhi hai aur ek chota sa ghar hai ek gwal mandi ka, aur ye sare sophisticated film watchers baithe hain aur subtitles padh ke hans rahe hain. It's just, it was very. It was bizarre. It was bizarre कि ये हो रहा था कान के अंदर, और हम एक पाकिस्तानी फिल्म लेके वहाँ पे बैठे हुए थे. But it was also a lot of fun. Ali, you have something to share? The only thing I have to share is कि जब मैंने boarding pass देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद हम वाकई जा रहे हैं. तो अब पैकिंग सही की है नहीं की है नहीं तो मैं सोच रहा हूँ. पैकिंग सही की है या नहीं? पैकिंग सही की है. आप लोग बोल रहे हैं ना, मैं I'm becoming part of the excitement because I can imagine. कैसा अनरियल सा फीलिंग होगी और कितना प्राउड मोमेंट एक्साइटमेंट यू नो, वो छोटी छोटी चीजें आप एंजॉय कर रहे हो, जैसे बोर्डिंग पास का ही आपने बोला. अलीना, व्हाट अबाउट यू, क्या हुआ सड़क पे किसी ने रोका, उधर ही रोना शुरू कर दिया, क्या किया? ये आगे से ऐसे जैसे दीपिका हर्सेल्फ ऐसे रोना शोना अलग साइड से रखा हुआ था. जब लोग आते हैं तो वो ऑटोग्राफ बिल्कुल ऐसे लगी पिक्चर के लिए खड़ी बचपन से ही करती है. नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया. मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था ये फेस्टिवल्स का, और मुझे फेस्टिवल का रियल में नहीं था पता क्या होता है, इतना पता रेड कार्पेट है. पर जब वहाँ पे गई हूँ तो लोगों ने काफ़ी अच्छा वेलकम किया, और मुझे एक दफ़ा नहीं लगा कि मेरा कोई जेंडर इशू है या फिर लोग मुझे मेरे टैलेंट से या मेरे काम की वजह से मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे. और जो मेरे लिए यादगार चीज़ थी वो ये थी कि जब हमें जूरी अवार्ड मिला था तो हमें नहीं था पता, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि कब हमारा नाम आएगा, पता नहीं आएगा भी या नहीं. वहाँ से वो अनाउंस करते तो मैं यहाँ से साइम का मुँह देख रही थी, साइम बिल्कुल सीरियस देख रहे हैं, भाई क्यों नहीं नाम आ रहा, क्यों नहीं नाम आ रहा. एक टाइम मैंने नाम लिया साइम सादिक, अबे मैं हिम्मत ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं खड़े होकर कि साइम सर चाह रहे हैं. मैंने कहा ये रोई, तब ये रोई, देन शी स्टार्टेड क्राइंग. या या, व्हेन वी वन देन शी स्टार्टेड क्राइंग. अलीना ने मुझे बहुत कोनिया मारी थी इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, लाइक हमारा नाम क्या है, आई वाज लाइक नहीं पता. सो वी वर लाइक द जूरी प्राइज वाज द सेकंड लास्ट अवार्ड. ओके, अच्छा, तो वो पहले बेस्ट एक्टर या बेस्ट स्क्रीन प्ले या पता नहीं कोई डेब्यू जो भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई सभी खुश है, उनको मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं उनके लिए जगह बना सकी. अब आप वापस जाती हैं तो अच्छा वार्म वेलकम मिलता है मोहल्ले में सब लोगों में? जी बिल्कुल, काफी करते हैं. वैसे अभी तक लोगों ने इतना हमारे पाकिस्तान का ट्रेलर वगैरह इतना नहीं हुआ, बट कुछ लोगों को जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं वो काफी खुश हैं. जहाँ पे मैं रहती थी, जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे लोगों का नजरिया काफी, देखने का नजरिया जो है काफी बदला, और मेरी ट्रांस कम्युनिटी बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं खुश हूँ.
इधर हूँ आपसे यू नो. ओके एक क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थोड़ा सा आग को हवा देना, हाउ डू यू बैलेंस द टू? आई थिंक अननेसेसरली या व्हाट वुड यू से? अगर आप फिल्म बनाने की हद तक कह रही, क्योंकि आई थिंक फिल्म मेकर को तो तभी, अभी ये भी हमें बोलना है क्योंकि एक तरीका है फिल्म प्रमोट करने के लिए, आप जाते हैं इंटरव्यूज देते हैं. आइडियल वर्ल्ड में तो ये करें, फिल्म मेकर को तो चुप रहना चाहिए जी. और अपनी फिल्म बनानी चाहिए, बिकॉज आप फिल्म के थ्रू बोल रहे हैं ना, आपको उसके आगे पीछे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी okay, चाहिए. सो माय क्वेश्चन वाज दैट, सॉरी टू कट यू, कि जब हम सर्टेन टॉपिक्स पे, जैसे ये फिल्म भी है, टॉपिक चैलेंजिंग है, अनऑर्थोडॉक्स है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत ज़्यादा लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट येस इट माइट चेंज माइंड सेट्स ऑल्सो, मेक सम आइडियाज़ मोर एक्सेप्टेबल एज वेल. लेकिन वही बात होती है, थोड़ा सा आप रिस्क ले रहे होते हैं कि आप छेड़ें इस टॉपिक को और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म एंड उस टॉपिक पे अटेंशन लाएं, और यू फील नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है और वही होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो, बिकॉज कई दफ़ा आप उन टॉपिक से बात करते हैं लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उल्टा हो जाता है. और आपको क्या क्या ज़रूरत है हमें ये करने की, पंगा लेने की, सॉरी टू से दैट वर्ड. आई थिंक मैं शायद उस तरह से उन दोनों ऑप्शंस, मेरा जिस तरह से मेरा दिमाग काम करता है वो दोनों ऑप्शंस नहीं मुझे सूट करती हैं. मैं उस तरह से नहीं, बिकॉज मैं ये सोच के नहीं कोई किसी टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाऊंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं क्यों उस कहानी को बता रहा हूँ. मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैंने बतानी है कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मेरा काम कहानी बताना है. ठीक है, मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है, मुझे ये किरदार अच्छे लग रहे हैं. अगर मेरा इंटेंशन वो होगा, अगर मेरी इंटेंशन उस एक सच्ची होगी, तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे नहीं घुस बैठना पड़ेगा, उसको एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करना पड़ेगा इन अ वे, व्हिच इज अ वेरी फेयर आर्ग्यूमेंट टू यूज इन जनरल ऑफ कोर्स. बिकॉज मैं वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाना चाहता हूँ. मेरी फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं, देर इज़ नो ओके आई एम टॉकिंग अबाउट टैबू टॉपिक्स, आई एम नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट टैबू टॉपिक्स. दैट इज़ अ वेरी फेयर थिंग टू डू, दैट देर आर अदर पीपल हु डू इट, यू नो. आई एम अ फिल्म मेकर, मेरा काम है कि मैं कहानी सुनाऊँ. जब तक मेरे पास अच्छी कहानी नहीं है, वो टैबू टॉपिक वाली हो या वो ऐसी कहानी हो जो बहुत ही घिसी पिटी है, लेकिन अगर मुझे अच्छे तरीके से बतानी आती है, that's better than me making a film about a taboo topic to raise awareness. Yeah. Because main kaun hu jo main kisi aur ko awareness dunga, mere paas kahan se, mujhe kaun si aisa wisdom kisne diya hai ki main baaki maashre mein jaake batau ki aap is tarah se braha karein ya ye accept karein, aapko karna padega, ya ye liberal hai aur ye conservative hai. That's not, you know, I have my own set of values, but I am nobody to preach them through a story. I think I find it very mujhe commercial filmon se zyada un filmon se annoyance hoti hai jo ke आपको प्रीच कर रही हूँ कि यू नो कि ये देखें, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बस सबको पता है कौन कह रहा है एजुकेशन अच्छी है, विमेन्स राइट्स, अब बोलने की हद तक तो सब बोल रहे हैं कि विमेन्स राइट्स होने चाहिए. कौन कहेगा खड़े होकर कि नहीं विमेन्स राइट्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो अगर आपने एक फिल्म बना ली जिस कह रही विमेन्स राइट्स होने चाहिए, आपने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया. यू नो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू से. व्हाट इज मोर डिफिकल्ट इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस एंड टू अंडरस्टैंड आर एग्जिस्टेंस एंड आर कोएग्जिस्टेंस टुगेदर एंड यू नो टू इन्वेस्टिगेट दैट. So for me that's the interest. So I never thought about ke oh main koi topic chhed raha hu uska fayda hoga ya nuksan hoga, because maine us intention se kabhi film nahi banayi thi. Aap log bhi jawab de sakte hain kyunki aap log bhi part of the film hain, when you take up on a topic you take responsibility also. So agar aap log kuch add karna chahe to ek cheez I think I can add is well two things. One thing, I agree. Second thing is that फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिसके बारे में आप स्पीच करेंगे, जस्ट थिंक इट थ्रू, लाइक रियली थिंक इट थ्रू. फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन स्पीक, इट मीन्स थिंक एंड देन डू समथिंग, राइट? एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, अगर जिस चीज़ के बारे में भी रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सोचना है, बात करना है, डायलॉग स्टार्ट करना है, उसके बारे में पहले उस हद तक सोचना जिस हद तक कोई नहीं और सोचा होगा शायद उस चीज़ के बारे में, वहाँ तक जाना ज़रूरी है. वहाँ से फिर शुरुआत होती है उसके डायलॉग के बारे में, वरना डायलॉग नहीं हो सकता अगर आपने खुद सोचा हो. थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड साहिब, आपने इतनी अच्छी बात बोली है. आई एम मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा एक्सपैंड किया है कि
आपने कभी उसको, क्योंकि हम लोग अक्सर ना राइटर्स डायरेक्टर्स और मैं खुद भी इस चीज़ में शामिल हूँ, उनके ऊपर ये थोप देते हैं, ओ ये तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, दे वांट टू चेंज दिस, बट यू सेड मैंने तो मैसेज किया है और ये इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने नहीं कहा था, सॉरी, क्या डिजीज है, बट आई नो मैं खुद भी कह रही हूँ, बट इसीलिए कॉन्वर्सेशन होती है बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड आई हैड अ स्टोरी टू टेल, मैं तो कहानी बता रहा हूँ. मैंने तो कभी नहीं कहा कि फ्रीडम स्पीच, या मैंने नहीं कहा कि मैं किसी एजेंडा को लेकर चल रहा हूँ, मेरी कहानी है जो मैं बता रहा हूँ. अच्छा, आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तानी पब्लिक जब इसको देखेगी तो हर इंसान इसमें किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर सकेगा. How can I connect with it? How will I connect with the movie? I don't know you well enough, so I need to ask you a couple of questions. I remember 19th ko aina lunch pe. I think you can either, as far as women in Pakistan, in their 30s or even like 20s, 30s or 40s, they can, I'll probably relate to either Mumtaz or Nucci, Rasti or Sarwat's characters. Some probably dono se relate kar sakengi, but it's interesting to see aap kis se zyada relate karti hain because they're both very different from each other. But do you points to think kya hoga jis se hum relate kar sakein? I mean, for that you have to watch the film, no? But I think हमारे माशरे में जो जो टी वी या जो फिल्में बनती हैं उसमें औरतों को unfortunately they're not allowed to just be. You know, या तो वो अच्छी होती हैं या वो बुरी होती हैं. और आई डोंट, हमने कभी भी मुमताज के बारे में या नुची के बारे में, इन दो और या आंटी फयाज जो कि सानिया का कैरेक्टर है, हमने कभी भी एक्टर्स या मैं या मैगी जो मेरी राइटर थी, को राइटर थी या प्रोड्यूसर्स के साथ, कभी इन कैरेक्टर्स को ये अच्छी है या बुरी है इन इन टर्म्स में आज तक नहीं बात ही नहीं हुई कभी, यू नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, बिकॉज that's not our, we're not here to judge them, but they are, they make mistakes, they do certain things jo shayad nahi karni chahiye inko, bahut sari cheeze jo karni chahiye, inke kuch secrets bhi hain, but inherently they are also good to the people around them. So I think that just women being women around, like jisa meri family mein aurte hain, wo 100% har cheez ko sahi nahi kar rahi, sabke koi na koi secrets hain, sabke koi na koi wo bhi hain, but you know, inherently ek decency, basic dignity hai jo un characters ko di gayi hai. In the way that they've been played by these, by wonderful performances by both Rasti and Sarwat. So I think that in itself, I think for Pakistani women to just see ke, oh, ये एक पूरी औरत है, ये उसका आधा हिस्सा या 20% जो वो अच्छी थी उसको मैग्नीफाई नहीं किया, या जो 20% बुरी है उसको भी मैग्नीफाई नहीं करके उसको पूरा प्रमोट नहीं बनाया, प्रमोशन नहीं की, यू नो, एंड they're normal women who exist, who make mistakes and who do wrong things, and they should be allowed to do that in stories. You know, so the press release said that aapki statement thi, director statement, ki ye jo kahani hai that's based on your own fictional autobiographical something, aisa kuch wo tha, you know, वैसे वो भी बड़ी जबरदस्त line थी, fictional autobiographical. I was like, wow, I'm impressed. All the words. ये मेरी कहानी नहीं भी है, but शायद मेरी कहानी fictional, you know. Emotionally आप कह सकते हैं कि the कहानी and the plot is very वो एक fictional कहानी है, बिल्कुल ये किरदार fictional है, लेकिन उनका जो एक आप कहते हैं ना एक core है या एक emotional truth है, वो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी से, और अपनी ज़िंदगी से मेरा मतलब ये नहीं कि वो मेरी अपनी ज़िंदगी है, कुछ मुझे लगता है मुमताज़ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो शायद मेरी अपनी अम्मी से ली हैं, और हैदर में शायद कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इर्द गिर्द या मेरे अंदर से आई हों, ठीक है ना, बीबा के अंदर एक स्पिरिट है जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, उस तरह की एक स्पिरिट, एक इमोशनल, नुची does a lot of things like me also, so मैंने अपने आप से थोड़ी थोड़ी चीज़ें चुरा के इनके अंदर डाली हैं, और अपने आस पास से डेफिनेटली चीज़ें चुरा के इनके अंदर डाली हैं, बिकॉज यू लुक फॉर ट्रूथ, कहानियाँ आपको आस पास ही नजर आती हैं. तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि उस स्टेटमेंट में कि आपने कहा कि ये मेरी मेरी सेल्फ की रिप्रेजेंट और मेरे जर्नी की रिप्रेजेंटेशन इन मैनी वेज. सो आई वॉन्टेड टू आस्क आप तीनों से बाकी कि ये इनकी तो थी, मुझे लगा आप भी, जैसे अलीना का अगर मैं स्ट्रगल देखती हूँ तो ये स्ट्रगल, नॉट एग्जैक्टली हर स्टोरी, बट ये स्ट्रगल का कुछ पार्ट अलीना का कैरेक्टर कहीं ना कहीं उससे चैलेंजेस या रिस्ट्रिक्ट होना एक बाउंड्री के अंदर, उसमें आप कनेक्ट कर पाई होंगी, राइट? तो आप दोनों भी था कुछ ऐसा जो फिल्म में आप लोग कनेक्ट कर पाए अपनी ज़िंदगी और फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उससे, या फिल्म इन जनरल में, दैट यू कैन शेयर विद अस? आई थिंक यस एंड नो, ज़्यादातर नो, इन दैट मुमताज मेरे से बहुत फ़र्क है, और मुझे वो अच्छा लगा बिकॉज इट्स एक्साइटिंग जब आपके पास एक, मतलब उसकी ज़िंदगी में इससे बहुत फ़र्क है, एंड फॉर मी दैट वाज इंटरेस्टिंग, एंड जैसे मैंने बताया कि उसकी
शादी एक सर्टन तरीके की थी, उसकी जो कंपेनियनशिप उसकी ज़िंदगी के अंदर है वो एक सर्टन नेचर की थी. तो मैंने शायद वो ना एक्सपीरियंस किया, लेकिन इट वॉज रियली लवली बिल्डिंग दैट टुगेदर विद माई को एक्टर. मज़ा आया उसको बनाते में. एंड बट टू एन एक्सटेंट आई थिंक जो एक कोर चीज़ है जो दैट आई कुड रिलेट टू आई सपोज वॉज जस्ट जनरली अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप एक खातून हैं और आप वो करना चाहते हैं जिसको आप जो आपको खुशी देता है. वो एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है बट उसके इर्द गिर्द आपके पास इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने लोगों की बातें और वो चीज़ें होंगी. एंड दैट इट डजंट मैटर कि आप कितने बड़े हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई, आपकी फील्ड ऑफ प्रोफेशन और वर्क क्या है. अगर आप खातून हैं और आप वो करना चाहती हैं जो आप रियली चाहती हैं, तो इनवेरिएबली आपको जजमेंट फेस करनी पड़ेगी, अपने आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या प्रूव करना पड़ेगा, वट एवर दैट इज. सो दैट बिकॉज दैट सच ए ब्रॉड काइंड ऑफ एप्लीकेशन तकरीबन हर खातून पे वास आती है. तो अब वो मुमताज़ की ज़िंदगी में भी थी, एक वेरी डिफरेंट नेचर की है बट इट वाज देयर. एंड सो आई हैड टू जस्ट प्ले इट डिफरेंटली बिकॉज़ उसकी लाइफ फर्क है. बट मुझे लगता है इस एस्पेक्ट से बहुत सी औरतें कनेक्ट कर पाएंगी. या एंड आई ये जो चीज है या एंड आई फील लाइक जनरली आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मुमताज़ हियर, इवन विद नूची एंड आंटी फयाज, सारी जो खवातीन है इस फिल्म के अंदर, दे डू दिस इंटरेस्टिंग थिंग वेयर उस अपने फैमिलीज़ के अंदर रहते हुए और उन वैल्यू सिस्टम्स के अंदर रहते हुए ही छोटी मोटी इधर उधर की ना कोई लाइक एक्ट्स करती हैं, जिससे वो थोड़ा थोड़ा लाइक क्या हाउ वुड आई से इट लाइक द चैलेंज, थोड़ा सा संग करती हैं, थोड़ा सा रिबेल करती हैं, स्मॉल रिबेल, स्मॉल रिबेल जो हम सबने की होंगी, लाइक छुप के बाथरूम में सिगरेट पी है ना हम सबने कभी ना कभी पी है. चले बट कुछ ना कुछ इस तरह का किया. एंड वी गो बैक टू आवर लाइव्स, यू नो, जिसके अंदर हम वही होते हैं जो हम पहले थे, उस सिगरेट पीने पहले जो थी. बट वी ऑल डू दिस, सो आई फील लाइक दैट वी डू डू दैट, अ लॉट ऑफ अस वुमेन डू दैट. आई नो माय कजिन्स एंड अदर सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स हैव डन दैट. एंड आई थिंक दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी लाइक टू एक्सपीरियंस दैट इन दैट मोमेंट एंड वी गो बैक टू आवर लाइव्स एंड दैट्स फाइन. So इस फिल्म के अंदर भी ये ख़वातीन वो करती हैं, and they go back to their families or their jobs or their partners या जो भी. So but it's nice to see a Pakistani film that shows you that for a brief moment. Ali, about you, कुछ था ऐसा जो आपको लगता है फिल्म आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रगल या आपकी ज़िंदगी का को रिप्रेजेंट करता है, आपका कैरेक्टर या फिल्म? अगेन उस तरह में यही येस एंड नो टाइप जवाब ही है. एक चीज़ मुझे ये याद आई है कि जो किरदार है हैदर, चुपचाप सा लड़का है. I'm like that. Okay. I'm quiet. And I am very interested cheezon ko observe karna, logon ko observe karna. That is true. Ye ek parallel mujhe ye kafi clear parallel mila. Kyunki bahut bada parallel hai actually. Yeah. Haan. Realizing it's a big part of his character. He doesn't talk at all. He nahi karta. And so wo cheez मुझे पता है अपनी ज़िंदगी में मैं कैसे फंक्शन करता हूँ उस खामोशी के साथ और ऑब्जर्वेशन के साथ और फिर थॉट्स के साथ. वो चीज़ अप्लाई करना उस इक्वेशन में लाहौर में इस किरदार के ज़रिए, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है. लिबरेटिंग था? लेकिन था भी लिबरेटिंग एक हद तक, लेकिन उस खामोशी से उसका नतीजा क्या होता है ये भी फिर महसूस होता है. Thanks. Sorry. Wow. Oh, the one thing. एक चीज जो no not you. I mean क्या हुआ आपने? हैदर के कैरेक्टर की I think एक चीज जो बहुत सारे लड़के उससे कनेक्ट कर सकते हैं is the daddy issues. के dad अपने father but it in a true way because I think I don't know the last time. बहुत एक बड़ी चीज है जो कि in Pakistan सब बच्चों का ही, लेकिन I think लड़कों का अपने अब्बुओं के साथ एक जो relationship है it's somehow unanimously like 90% slightly tense. I don't know why. Friction hoti hai. Wo aap jitna marzi unse izzat se baat kar le wo friction nahi jati. Wo rahegi hamesha. Koi tension, ek awkwardness, ek ajeeb si, halanki aapke abbu ne shayad wohi zindagi jiye jo aap us waqt jee rahe hain. True. They know everything. You know, but still there is a weird connect and love, but it's stressful. Which like you know that feeling I think is something that पाकिस्तान के तमाम जो हैं बाशिंदे बिल्कुल रिलेट कर सकेंगे कुछ हद तक आई होप. सो अरे ऐसा ना लाइक अपनी सेल्फ से बाहर निकल के आप देख रहे हो कि अच्छा मेरी खामोशी और मेरे इसका ये नतीजा भी हो सकता है. महसूस हुआ था व्हेन यू वर डूइंग द फिल्म ऐसा कुछ महसूस मुझे हुआ था. इनफैक्ट यस
एक बर्ड्स ऐसा अजीब सा पर्सपेक्टिव कि वो जाएगा किस डायरेक्शन में, मैं हूं तो खामोश नहीं हो जाए. कभी-कभी वो जो कैरेक्टर्स आप लोग करते हैं वो आपको एक ऑप्शन दिखा देते हैं जिंदगी का. और था ये कि ये स्क्रिप्ट ऐसा था कि कैरेक्टर आपसे बहुत सारी कमिटमेंट मांग भी रहा था, हर एक किरदार इन टर्म्स ऑफ शियर वर्क एंड एफर्ट जो इस कैरेक्टर पे करना था, जो सब कैरेक्टर्स में करना था, उस सिचुएशन को बिलीवेबल बनाने के लिए किस हद तक आपको एज एन एक्टर अपने आप को पुश करना है, या सेट पे एनवायरनमेंट साहिब ने बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल और केयरफुल सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था जिसमें फिर हमें मौका मिला कि हम और एफर्ट करें और मेहनत करें और अपनी क्यूरियोसिटी को और बढ़ने दें. तो आई थिंक कि किरदार ही इतनी चीज़ें मांगता है हमसे कभी कभार कि फिर उसको करते हुए फिर चीज़ें उस वक्त ये महसूस हो रहा होता है कि अच्छा मुझे पता नहीं है ये दिन किस तरह शुरू हुआ था, ख़त्म किस तरह हुआ था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. फिर दिन ख़त्म होता है एंड यू रियलाइज अच्छा फिर ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, एंड देन यू काइंड ऑफ फिगर आउट के दैट्स माय साइलेंस या मेरा जो इंट्रोस्पेक्टिव बिहेवियर है वो ये भी हो सकता है. ओके, या ये भी हो सकता है. सो आई थिंक आई लर्न्ड मोर फ्रॉम हिम देन ही लर्न्ड फ्रॉम मी इन अ वे. अलीना आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई आपका चैलेंज स्पेसिफिक जो आपको मूवी करते हुए बार बार यू नो यू फेल्ट ये रियलिटी है? मुझे लगता है कि अच्छा डांसर नहीं मिला था. ये तो क्या आपको जिंदगी में अली जैसा अच्छा डांसर नहीं मिला? हाँ नहीं ऐसी भी बात नहीं. अली चैलेंज कर दिया आपको उन्होंने? हाँ नहीं क्या करें. नहीं बाकी डांसर जो थे ना मेरे वो भी बहुत अच्छे थे. वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत नहीं क्या उसके थे. मैंने अगर सीखा मैं अपना देखूँ तो मैंने अपने करेक्टर से जो सीखा मैंने उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिभा का था मैंने वो काफ़ी हद तक सॉल्व किया. और क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट हूँ और जो बिभा है वो बहुत गुस्से वाली और मनवाने वाली है, ज़िद्दी टाइप है. और मुझे लगता है कि जो मैंने उसे बिभा अपने ट्रैक्टर से लिया वो एक तो ये था कि उसकी मेहनत स्ट्रगल करने का तरीका, और दूसरा जो मैंने अपनी पूरी टीम से लिया कि वो हम किस तरह सब टीम इकट्ठे एफर्ट करके अपना काम को सर अंजाम दे रहे हैं. क्योंकि अली जी और बाकी जो एक्ट्रेस थे सभी अपने जो करेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे थे, और इनको देख के मैंने एक ये भी चीज़ सीखी और मैंने भी अपने करेक्टर को बहुत अच्छा करने की कोशिश की. यहाँ तक कि एक दफा सीन मुझे याद है हम डांस रिहर्सल्स कर रहे, शूट हो रहे थे हमारे, और एक टाइम आया कि मेरे पाँव काफ़ी स्वेल हो गए ना सेट पे खड़े हो के परफॉर्मेंस कर करके ना, और मेरे पाँव काफ़ी स्वेल हो गए थे और मुझे कुछ निशान थे स्टंट्स के ना, क्योंकि मुझे था कि मैंने अच्छा दिखाना है. और मैं खुद से लगे साइंस समझ नहीं थे कहते, और मैं घर जाके खुद से अलग से एफर्ट किया करती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टंट्स करने की कोशिश करती थी जो मैं डांस में ऐड कर सकूँ और इस तरह की चीज़ें ना. तो एक टाइम आया कि मेरे पाँव काफ़ी स्वेल हो गए, मैं सेट से वापस आई और अली और मैं हम बैठे हुए थे, और मैंने उसके आगे ना दोनों टांगे करके ना चेयर के ऊपर बैठी है इससे. तो मैंने देखा उनको, वाओ अली तुम्हें पता है मेरे पाँव देखो कितने मोटे हो गए हैं, मैं मोटी हो गई हूँ. तो इसने कहा, मैं इसने इग्नोर किया, फिर पूछा मेरे को देखो तो सही मैं देखो कितनी मोटी मेरे पाँव कितने, कहते हैं नहीं तो मोटी नहीं हुई स्वेल रही है. इन्होंने पाँव से मोटी हो गई पाँव से मैं मोटी हो रहा था कि शायद मैं मोटापे की तरफ आ रही हूँ. महीना पहले फिर जब पहला सीन था हमारा, जब हमारा पहला सीन था स्कूटर के ऊपर, तो अली जी मेरे साथ बैठे हुए थे, और एक टाइम आता है कि हम जा रहे होते हैं रोड के ऊपर सीन सेट पे, और एक टाइम आता है कि मुझे कट करना होता है, मैं क्या करती कट करने के बजाय मैं फुटपाथ के ऊपर चढ़ा देती हूँ, और अली पीछे से जंप करके नीचे में गया, वाओ ये बहुत है अपने आप को सेव कर लिए. तो आपको कर रहा हूं भाई जाओ. और ये मैं दिख रहा हूं कि मैं जा कहां रही हूं, मैं चली कहां गई हूं. काफी छोटे छोटे लगी है इनको. अली की भी एक दिन फिनिश हमें रोकना पड़ा था शूट, अली का एक बैक प्रॉब्लम हो गया था, और उस दिन अली का आई थिंक मिडवे थ्रू द शूट हम पहला इट वाज हिज फर्स्ट सीन इन द फिल्म, इट्स द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, और तो अली की कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन अली को मैं पूछ रहा हूँ कि अली ज़्यादा हो रहा है तो हम रोक लेते हैं, लेकिन नहीं नहीं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे. अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, अब एक पॉइंट के बाद मुझे भी है कि यार हाँ अच्छी बात है कह रहा है कि कर लेते हैं बिकॉज तुम तो बनानी है ना. तो ये बैठ गया कि नहीं नहीं करना, तो फिर मैं क्या करूँ आगे से. तो एक पॉइंट पर आ गया, उसने कहा कि ओ ये तो नहीं मैं नहीं कर सकता, और फिर हमें रोकना पड़ा शूट. और फिर तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ी अली को, और फिर हमने फिगर आउट किया, स्केड्यूल्स चेंज किए, सरवत और रास्ती को बुलाया, हमने उनके सीन शूट किए. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें,
मस्ती भी गिरी थी एक सीन में, भागते थे कि ये भी गिरी थी कभी गुड टाइम। मुझे पता था कि मैं गिरूंगी, दैट्स द वियर्ड पार्ट। मुझे पता था कि रजीना शी इज रनिंग अ लॉट हैज टू रन, वो बच्चों के साथ खेल रही है तो वो उसमें गिरी, घुटने भी चले हाथ भी चले, और फिर उसके बाद अब ऑब्वियसली वो सीन तो कंप्लीट करना था, तो उसके बाद मैंने बस 20 मिनट की ब्रेक लिया, उसके बाद मैं भागी हूं पूरे 3 घंटे के लिए। खून पसीने की कमाई है, मुझे नहीं लगी छोड़ ले इनको, लेके बहुत सारी मेडिसिन और बैंडेजेस की एडवर्टाइजमेंट्स है। Nain, thank you so much for your time. Thank you. One last question. Why do you think? Okay, one last question. Second last question. My team is going to be here. We just have 1 hour. But is the film talking about any of the taboo subjects? Is the film talking about any of the topics? Jo rumor hai ki ye film is baare mein, is baare mein. No. No. अगर आपको लगता है कि एक ख्वाजा सरा होना एक टैबू सब्जेक्ट है तो फिर ये यू नो ये फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो ख्वाजा सरा आपको सड़कों पे भी मिल रहे हैं, आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, और आपको कभी इशू नहीं हुआ इस रिप्रेजेंटेशन से जब तक फिल्मों में या टीवी पे या कॉमेडी शोज में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। किसी को मसला नहीं था कि ख्वाजा सरा क्यों है या ये बंदा जो है फेमिनिन क्यों बन गया है, एज लॉन्ग एज यू मेकिंग फन ऑफ इट राइट। द सेकंड दैट यू ह्यूमनाइज इट एंड जिसे कि हम हाँ वही कर रहे हैं जो मतलब, लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ा रहे पहली दफा, सो आपको मसला उनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, इनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन एक ह्यूमन तरीके से करने में है, तो ये आपका मसला है। जो मूवीज देखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं वो थोड़ी सी होती हैं लाइक अपसेटिंग होती हैं या हजम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट दैट्स व्हाट मेक्स अ स्टोरी गुड यू नो मूविंग और व्हाटएवर इट इज। तो कुछ सोचने से लाइक घर पे बैठ के ख्याली पुलाव बनाने की बजाय जाके देख लें, लाइक जाके देखें, एंड देन आई हैव अ फीलिंग आई मीन इस तरह की पाकिस्तानी फिल्म नहीं बनी, और फनी भी है, सैड भी है, एक्साइटिंग भी है। बीच में जब वो गाना आता है जिसका साइमन ने मेंशन किया था, मेरा वो फेवरेट पार्ट है इसके अंदर, लाइक हमेशा यू लाइक यू स्टार्ट मूविंग टू इट एज वेल, सो इट्स गॉट अ बिट ऑफ एवरीथिंग। तो आप जाके देखें एंड देन या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, एंड congrats, and you should be very proud of yourself for taking this brave step and having a cast which is most of them are new and you know in the film industry. Yes. So uske liye bhi bahut courage chahiye hoti hai, mujhe lagta hai bahut himmat chahiye hoti hai jo aapne ki hai, aur apni kahani ko aage leke chalna despite what everybody what anyone else is saying, mujhe lagta hai wo bhi ek bahadri ki cheez hai, aise log hame bahut chahiye. So thank you so thank much you. for doing that. We are looking forward to the film. I've seen the trailer and I will say कि मेरी भी बहुत सी ऐसी rumors मैंने भी सुनी थी, मेरे भी खदशात थे, मैं भी सोची थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैंने trailer देखा I was pleasantly surprised and I was like यार ये पता नहीं reviews में क्या बात लिख रहे थे, trailer से तो एक और ही picture सामने आ रही है। The movie looks really exciting and interesting and I hope that it will help push the envelope a little bit more. Ameen, so much. Take care and best of luck. Thank you so much. Thank you.